मंडी की मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चंडीगढ़ में हुई कोऑर्डिनेशन बैठक में कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए प्रतिभा सिंह का नाम मंजूर हो गया है। उनके पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया। अब प्रस्ताव पर विचार करने और औपचारिक घोषणा करने का दायित्व केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया गया है। कंगना और शिमला सीट पर केंद्रीय नेतृत्व जो है वो फैसला करेगा। यह भी अब जानकारी अहम निकल कर आई है कि कंगना के खिलाफ जो है अब प्रतिभा सिंह जो है वो खड़ी होंगी और उनका नाम भी फाइनल हो गया है। चंडीगढ़ में जो कोऑर्डिनेशन बैठक हुई थी कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए प्रतिभा सिंह का नाम मंजूर हो गया है। अब उनके पक्ष में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। आशीष, अब जो टक्कर है वो बहुत मुश्किल, बहुत बड़ी और बहुत कड़ी होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कंगना रनौत जो एक तरह से फिल्मी दुनिया की बड़ी सुपरस्टार हैं, बीजेपी ने उनको मैदान में उतार करके निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ऐसी मुश्किल खड़ी कर दी है, जिसकी वजह थी कि कल चंडीगढ़ में ये बड़ी बैठक की गई, विवेक, जिसका आप हवाला दे रहे थे, जिसमें मैं आपको बता दूं कि प्रतिभा सिंह पहले काफ़ी रिलक्टेंट थी, वो नहीं चुनाव लड़ना चाहती थी। लीडरशिप ने उनसे आग्रह किया, एक बार उन्होंने बेमन तरीके से कह दिया था कि ठीक है, विचार कर लेंगी लड़ने के लिए, लेकिन कल दिल्ली से बाकायदा प्रभारी राजीव शुक्ला भेजे गए थे इस बैठक में, जिसमें उन्हें समझाया गया, मनाया गया और आखिरकार उनके नाम का प्रस्ताव पारित हुआ। अब सेंट्रल लीडरशिप को उनका नाम डिक्लेयर कर देना है। देखिए, वीरभद्र सिंह की विरासत उनके साथ जुड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं, पार्टी की जो फर्स्ट चॉइस थी वो प्रतिभा सिंह नहीं थी, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह थे। वो चाहते थे कि पिता वीरभद्र सिंह की लेगेसी, उनकी सिंपथी जो है वो बेटे के साथ चलेगी और फिर कंगना के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। जब वो राजी नहीं हुए, वो स्टेट की पॉलिटिक्स नहीं छोड़ना चाहते हैं, तब प्रतिभा सिंह से ये निवेदन किया गया था। अब हमें ये भी देखना होगा कि भाई ये एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वीरभद्र सिंह का अभी भी अच्छा खासा वर्चस्व है। डिस्पाइट दैट कास्ट इक्वेशंस भी वहाँ बहुत मैटर करते हैं और ये बड़ा दिलचस्प लड़ाई रहने वाली है वहाँ पर, विवेक, क्योंकि दो ठाकुरों की लड़ाई होगी। इन दोनों की बिरादरियाँ भी, हम और आप इस पर ड्वेल करें ना करें, लेकिन ये वहाँ की एक सच्चाई है। तो बीजेपी ने एक बड़ा मजबूत कैंडिडेट खड़ा किया है, लेकिन कांग्रेस ने भी बहुत अच्छी रणनीति अपनाई है। सीधे वीरभद्र सिंह की पत्नी अब उनको चुनौती देंगी, ऐसा लगता है कि उनके नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा और मुझे लगता है ये क्लैश ऑफ टाइटंस, एक वन ऑफ द बेस्ट सीट्स होगा फॉर जर्नलिस्ट टू कवर एंड लोगों की नज़र उस पर पैनी बनी रहेगी। और जब कंगना का नाम सामने आया था उसी समय से प्रतिभा सिंह का जो बयान है वो सामने आ गया था कि जब यहाँ पर आई थी प्राकृतिक आपदा तब कंगना कहाँ थी। तो ये जो लड़ाई है वो काफ़ी रहने वाली है, दिलचस्प। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ABP News आपको रखे आगे।